की कंपनी और सहकारी उपक्रमों के बाद अब निजी दूध विक्रेताओं ने भी दूध के भाव बढ़ा दिए हैं। इंदौर दूध विक्रेता संघ ने यह तय किया है कि घर पहुंच बंदी का दूध 45 रुपए से बढ़ाकर 48 रुपए प्रति लीटर रहेगा, जबकि दुकान से बिकने वाला दूध 47 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये रेट 1 फरवरी से लागू होंगे। यह पहला मौका है जब जनवरी फरवरी में दूध की कीमतें बढ़ रही है, जबकि इस समय दूध को लेकर कोई संकट भी नहीं है। बहरहाल दूध विक्रेता संघ ने दूध उत्पादकों से लिए जाने वाले दूध की खरीदी दर भी बढ़ाई है। दूध उत्पादकों से 7 रुपए प्रति फैट से दूध लिया जाएगा। दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बताया कि पैक्ड दूध तैयार करने वाली कंपनियों के साथ ही सांची और अमूल दूध की कीमत बढ़ने के कारण हम निजी दूध विक्रेताओं को भी कीमत बढ़ानी पड़ी। दूध के दामों में बढ़ोतरी का जो अभी मुख्य कारण है वह जो पैकिंग कंपनियां सांची ने 50 रुपए प्रति फैट जो किसानों को पैसा बढ़ाया है, उस कारण से मुख्य बढ़ोतरी का कारण है कि हमको भी इंदौर दूध विक्रेता संघ को भी खुले दूध जो बेचते हैं बंदी से और दुकानों को उनको भाव बढ़ाना पड़ रहा है। पूर्व में अभी तक के इतिहास में देखा गया है कि जनवरी में पहली बार दूध का पैसा बढ़ा है। अमूमन ये 1 फरवरी के बाद ही 1 अप्रैल से दूध का भाव बढ़ाया जाता है, जैसा कि पुरानी पद्धति चली आ रही थी। लेकिन इस बार सांची ने जो 50 रुपये प्रति फेट की बढ़ोतरी की है दूध के उत्पादक से, उसके कारण हमको भी बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। इसका जो प्रमुख कारण हमें सामने आया है वो ये आया है कि जो शासन ने, कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय 5 रुपये प्रति फेट दूध उत्पादक को सब्सिडी देने का जो फैसला अपना वचन पत्र में लिया था वो सरकार ने बढ़ाया नहीं, जिसके कारण कि 80,000 करोड़ रुपए तक अभी तक सरकार को देना पड़ सकते थे, लेकिन सरकार ने उत्पादकों को सब्सिडी न देते हुए उत्पादकों का पैसा बढ़ा के उपभोक्ताओं के ऊपर भी लोड डाला है और पैसा बढ़ाया है। जैसा कि अन्य कंपनियां जो पैकिंग कंपनियां वो कह रही है कि हमने 3 रुपये बढ़ाए हैं और 2 रुपये जनता पर दिया है, तो इसका प्रमुख कारण मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 12 से 14 रुपए प्रति लीटर के मुनाफे पर ये पैकिंग कंपनियां अपना दूध का व्यवसाय कर रही है, जबकि इंदौर दूध विक्रेता संघ जो है वो 5 रुपए प्रति लीटर के मुनाफे पर जनता को शुद्ध दूध, ताज़ा दूध उपलब्ध करा रहा है। और आज शहर के अंदर करीब 10 लाख लीटर दूध जो है इंदौर दूध विक्रेता संघ के सदस्यों द्वारा, यानी खुला दूध जो है वह दिया जा रहा है, और पैकिंग कंपनियों का कुल मिला के सभी पैकिंग कंपनियों का 2 लाख लीटर दूध ही जनता को जाता है। जनता के अंदर आज भी ताज़ा दूध की मांग है और यही कारण है कि इंदौर दूध विक्रेता संघ ने जो पैसा बढ़ाया है 3 रुपये प्रति लीटर, वो व्यापारी का पैसा नहीं बढ़ा है, वो सीधा उत्पादक का बढ़ाया है। हम उपभोक्ताओं से 3 रुपये लेके वो सीधे उत्पादक को दे रहे हैं, क्योंकि ये पैकिंग कंपनियाँ उत्पादक को जिस भाव में, यानी 46 पेट का दूध 42 रुपये लीटर खरीद रही है, तो इंदौर दूध विक्रेता संघ का खुला दूध का व्यापारी भी 42 रुपये प्रति लीटर में उत्पादक से दूध का क्रय करेगा।